Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 19 of the database management system course. The course code is CS403. In the previous lecture, we were discussing the relational algebra and especially we were discussing the join operator. We studied the importance and the way of working of the join operator. We also discussed different forms of the join operator, that is, uh, equijoin natural join semi join left outer join right outer join we also touched briefly the relational calculus after that we discussed normalization normalization is a very important process of the database development process in this process we transform our database design rather our logical database design into more accurate and more efficient a smarter database design Normalization is a process that you apply on each and every table of your database design, and overall, you think this is the normalization of your database design. A normalized database design helps you to maintain the consistency of the database, the correct state of the database. See, you can make a correct database system, you can develop a correct database system even with a not normalized database design. But I, I told you in the previous lecture that would make extra burden, that would put extra effort on behalf of developer, the designer. They will have to be extra conscious to maintain the consistency of the database. It is that with an unnormalized database, the data, there are more chances that your database may be in an incorrect state. Chai, a normalized database helps you it makes it easier for you by uh, to make the database consistent, to keep the database consistent. how? why? because you provide such a design. you provide such form of tables to the dbms that dbms helps you to maintain their consistency. use case may, dbs is more helpful to you. Ke wo uski, uh, consistency maintain, kursa k, tables ki data in the database. कैसे वो आप देखेंगे कि जिस वक्त हम ये नॉर्मोलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे देर यू विल रियलाइज के हाउ ए नॉर्मलाइज डाटा दिस डिजाइन कीप्स द डाटा इन ए कंसिस्टेंट फॉर्म वो उसको ज्यादा एफिशियंट तरीके से मैनेज करता है मैनुपलेट करता है आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं नॉर्मोलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वट डू वी मीन बाय द फंक्शनर डिपेंडेंसी क्यों इसलिए कि नॉमोलाइजेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ डीज यानी वेन यू वॉन्ट टू डू द नॉमोलाइजेशन यू कैन से द इनपुट टू दू द नॉमोलाइजेशन प्रोसेस इज योर लॉजिकल डेटाफेस डिजाइन यानी वो तमाम टेबल्स जो कि आपने लॉजिकल डेटाफेस डिजाइन के दौरान uh, उस प्रोसेस के दौरान क्रिएट किए थे वो और प्लस एफ डीज तो इसका मतलब यह है कि एफ डीज आपको चाहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए तो एन एफ इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ़ रिलेशन ये आप देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी हाउ डू वी डिफाइन इट इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन देन बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इन आर इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी इट इज रिटर्न एज ए

कोई एट्रीब्यूट को है किसी भी एक रिलेशन के अंदर कोई एट्रीब्यूट है अगर आपको एट्रीब्यूट ए की वैल्यू पता हो अगर आपको एट्रीब्यूट ए की वैल्यू पता हो तो उसकी बेस पे उसके अगेंस्ट आप एट्रीब्यूट बी की एक प्रिसाइज यूनिक वैल्यू डिटरमिन कर सकें यानी जब भी आपको ए की वैल्यू पता हो तो आपको श्योर हो कि इसके अगेंस्ट मुझे बी की एक ही पक्की वैल्यू मिलेगी और विल बी श्योर यू शुड बी श्योर कि वो उसमें कोई गलती का और गलती से हमारी क्या मुराद है गलती से मुराद ये है कि देर इज़ नो चांस दैट यू आर गोइंग टू गेट तो टू वैल्यूज ऑफ बी अगेंस्ट वन वैल्यू ऑफ ए इसको एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि हमें अगर स्टूडेंट आई डी पता हो या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो तो ये पक्की बात है कि हमें हमेशा उसके अगेंस्ट एक ही स्टूडेंट का नाम मिलेगा अगर इस एग्जाम्पल को मैं मजीद ब्रॉड करूँ तो इसको आप समझ आपके लिए समझना यूं भी आसान होगा कि लेट से इफ़ यू गॉट द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऑफ एनी पर्सन दिस इज श्योर दैट अगेंस्ट दैट नंबर वी आर गोइंग टू गेट द नेम ऑफ ए यूनिक पर्सन या वी आर गोइंग टू गेट ए यूनिक नेम इसका मतलब यह है कि दो मुख्तफ लोगों के जो दो मुख्तफ लोग हैं उनका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो सेम नहीं हो सकता चुनाचे हम ये कहेंगे कि अगर हमें किसी बंदे का एन नंबर पता है तो उसके अगेंस्ट हमें एक ही नाम मिलेगा एक ही हमें एड्रेस मिलेगा एक ही हमें फ़र्ज के फादर नेम मिलेगा इसके बरक्स अगर आप एक और चीज़ देखेंगे फ़र्ज़ करें अगर किसी क्लास में से कि इमरान अहमद इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट टेल एस द नेम द फादर नेम ऑफ द स्टूडेंट

तो उसके बेस पे दूसरे एट्रीब्यूट की अगर प्रोसाइज वैल्यू आपको एक ही यूनिक वैल्यू आपको मिल जाएगी इसका मतलब है कि जो बी एट्रीब्यूट है आपका वो ए पे डिपेंडेंट है तो उसको कहेंगे ये एक फंक्शनल डिपेंडेंट डिपेंडेंसी है और इसमें जो आपका ए एट्रीब्यूट है यानी जिसकी वैल्यू के बेस पे आप दूसरे बी एट्रीब्यूट की वैल्यू डिटर्मिनट कर सकते हैं वो कहलाता है डिटर्मिनेंट यानी जब हम एफ लिखते हैं तो एक एट्रीब्यूट लिखा फिर एरो एरो की टेल पे जिस साइड पे वो एरो हेड नहीं है जो उसकी टेल पे एट्रीब्यूट है चाहे वो एक एट्रीब्यूट हो और हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि बास केसेस में वी कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो तो अगर एक हो या मल्टीपल एट्रीब्यूट हो दे आर कॉल्ड दिटर्मिनेट्स या डिटर्मिनेंट और जो राइट right साइड पे एट्रीब्यूट है यानी जिस जिस तरफ एरो हेड है उस साइड पर जो हमारे एट्रीब्यूट हैं दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट्स तो ये एक एफडी है इसको पढ़ेंगे। अगर हम इसको पढ़ें यानी डिटर्मेंट से डिपेंडेंट के साइड से तो पे तो हम यू पढ़ेंगे कि बी और अगर हम बी की तरफ से पढ़ें तो हम कहेंगे बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे चलते हैं इट डज नॉट मीन यानी जब हमने एक एफ लिखी है इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू के बेस पे यू कैन डिराइव यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी अगरचे बास केसेस में ऐसा हो भी सकता है बट नॉट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप ए मैपिंग कि हमें अगर ए पता है तो आपको जब उसे रिलेट करेंगे तो उससे जो लिंक है जो उससे रिलेटेड है वो बी की एक ही वैल्यू है ये मीन्स दैट इफ यू नो वैल्यू ऑफ देन वी कैन प्रिसाइजली डिटर्मिन यूनिक वैल्यू ऑफ बी जो भी हम पहले बात कर चुके हैं एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड आरकॉल्ड डिटर्मिनेट एंड ऑन द राइट साइड डिपेंडेंट जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर और इसमें एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी और ई e, तो अगेंस्ट दिस रिलेशन वी गॉट टू एफ डीज रिटर्न देअ और ज़ाहिर से आपको ये बात भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि वी कैन हैव मल्टीपल एफ डीज वी कैन हैव नॉट ऑलवेज नॉट नेसेसरी लेकिन वी कैन हैव मल्टीपल एफ डीज अगेंस्ट ए सिंगल रिलेशन जैसे कि आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए डिटर्मेंट्स बी सी डी और एक और एफ डी हमारे पास है कि डी डिटर्मेंट डी एंड ई इसमें आप एक और चीज देखें कि जो आपके पास डिफरेंट एफ डीज हैं उनमें से अगर आप देखें तो जो डी है वो एक एफ डी में वो डिपेंडेंट है और दूसरी एफ डी में वो डिटर्मिनेंट है इससे क्या मतलब इससे मतलब यह है कि इस रिलेशन के अंदर जो मुख्त एट्रीब्यूट हैं इनमें से जो डी है वो एक पे डिपेंड करता है यानी अगर आपको ए की वैल्यू पता हो तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन साथ ही एक और बात यह भी है कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ डी देन यू कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ ई यूनिकली इसके एग्जाम्पल जो है प्रॉपर एट्रीब्यूट और रिलेशन के साथ आप आगे देखेंगे जैसे ये देखिए एफ डी की एक प्रॉपर एग्जाम्पल जिसमें हमने प्रॉपर रिलेशन uh, और नेम इस्तेमाल किए हैं इस पर अगर आप देखें तो हमने एक डिफाइन किया हुआ है रिलेशन स्टूडेंट उसमें एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आई स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम और क्रेडिट्स क्रेडिट्स से अपराध यह है कि उस प्रोग्राम में कुल कितने क्रेडिट्स हैं इसमें अगर आप देखें तो जो पहली एफ है उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आई डी डिटर्मिन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम और क्रेडिट्स इसके अलावा हमारे पास एक और एफ इसी रिलेशन की है कि प्रोग्राम नेम डिटर्मिन क्रेडिट्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये लेंगे कि अगर हमें एक स्टूडेंट का आईडी पता है आईडी कोई नंबर भी हो सकता है वो डिपेंड करता है इदारे के ऊपर कि वो क्या आईडी देते हैं इट कुड बी इवन रजिस्ट्रेशन नंबर तो अगर हमें स्टूडेंट का आईडी पता है तो हम यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं पक्की बात बता सकते हैं कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है एंड देर बी नो कन्फ्यूजन क्या आया जो एस uh, वन है जो कि एक आईडी है वो शिकूर अहमद है या हामिद अली खान है ऐसा कभी नहीं होगा दे देर ऑलवेज बी ए सिंगल नेम अगेंस्ट दिस आईडी और फिर इसी तरीके से वी विल बी एबल टू ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर ए यूनिक एड्रेस अगेंस्ट दिस आईडी डी लाइक वाइज प्रोग्राम नेम कि वो किस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड है या किस प्रोग्राम में पढ़ रहा है इसी तरह क्रेडिट्स की बात करें कि जिस प्रोग्राम में वो एनरोल्ड है जिस प्रोग्राम को पढ़ रहा है हाउ मैनी क्रेडिट्स दैट प्रोग्राम कंटेन या इट कंसिस्ट ऑफ अच्छा दूसरी जो हमारे पास एफ डी है फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ये कहती है कि इफ वी नो द प्रोग्राम नेम देन वी कैन टेल हाउ मैनी क्रेडिट्स दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ तो ये एफ डी ऑबियसली ये समझा रही है तो जरा सा इस पर अगर आप गौर करें इसको रिलेट करें अपनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ ये सिचुएशन जो यहाँ पर दिखाई गई है या आप अपने जहन में कोई सा भी एक रिलेशन कोई भी टेबल सोच लें एक लिख लें और वहां से आप एफ डी ढूंढे तो आपको समझ आ जाएगा कि एफ डी का क्या रोल है इसमें देखिए जो आपके सामने इस वक्त टेबल है यही टेबल जो अभी हमने जो रेशन डिफाइन किया है उसका डाटा आपको नजर आ रहा है इसमें देखिए कि आपके पास जो स्टूडेंट आईडी है वो है एस वन जीरो टू जीरो फॉर एग्जांपल इसमें आपको नाम नजर आ गया लेट्स से सुहेल डार और एड्रेस भी है इसमें एड्रेस हमने ब्रीफ लिखा हुआ लेकिन जाहिर है कि वो जिस वक्त यूर स्टोर इट इन दे डाटा बेस इट वुड बी कंप्लीट एड्रेस तो यहां हमने जगह की वजह से इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है उसके बाद प्रोग्राम नेम हम देखें मिसाल के तौर तो पर पहले में है एम ठीक है और उसके बाद है प्रोग्राम क्रेडिट्स यानी इस प्रोग्राम के कुल कितने क्रेडिट्स हैं तो उसमें देखें आप लिखा हुआ सिक्सटी फोर अच्छा इसी तरह जो दूसरा हमारा रिकॉर्ड है इसमें अगर आप देखें तो वही हमारे पास एस वन जीरो थ्री एट स्टूडेंट है और इसमें शुैब अली इनका नाम है और ये किसी सेक्टर में रह रहे हैं इस्लामाबाद में बी में एनरोल्ड है और इसके जो क्रेडिट्स हैं वो वन हैं तो आप इसे ज्यादा लगा सकते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास जिनमें के डिग्री नेम सेम है प्रोग्राम नेम सेम है फॉर एग्जाम्पल एमसीएस जहां भी होगा तो हमेशा एमसीएस जब भी आप कहेंगे पक्की बात है कि एमसीएस के अगेंस्ट जो क्रेडिट्स हैं प्रोग्राम के कुल वो आपको हमेशा सिक्सटी फोर ही मिलेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एमसीएस किसी जगह लिखा हुआ हो और वहां पर क्रेडिट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाए इसी तरह वेन यू से बीसीएस तो बीसीएस अगेंस्ट यू विल ऑलवेज फाइंड वन थर्टी टू क्रेडिट्स तो इसका मतलब यह है कि आप यह समझ सकते हैं कि वेन यू नो द प्रोग्राम दोग्राम नेन फॉर श्योर डिटर्मिन ए यूनिक वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ के जिसके जिस पे यह प्रोग्राम मुश्तमिल है एंड लाइकवाइज अगर आप इसी चीज को इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें स्टूडेंट आई के ऊपर तो उसकी बेस पे भी यू कैन डिटर्मिन ऑल दीट्यूट ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन डियर स्टूडेंट्स एफ का एक और रोल जो कि आपको इसमें समझ आएगा वो ये है कि यूजिंग द एफ डीज बेस्ड ऑफ द एफ डीज रिलेटेड टू ए टेबल यू कैन डिटर्मिन द कीज ऑफ दैट टेबल यानी आप अगर एक टेबल देखते हैं और उसके पास की एफ डीज देखें तो उस हैं, दे कैन हेल्प यू दे कैन गाइड यू टू डिटर्मिन कीज ऑफ दैट टेबल कैसे यानी ऐसा आपकी ऐसी एफ डी जिसमें के जो डिटर्मिनेंट है वो तमाम एट्रीब्यूट्स uh, को डिटर्मिन करे क्योंकि दोबारा अगर सोचें तो डिटर्मिनट का पर्पज़ क्या है कि वो यूनिकली डेंटिफाई करता है डिपेंडेंट को तो अगर आपके पास एक डिटर्मिनट ऐसा है चाहे वो इससे सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट अगर एक डिटर्मिनट ऐसा है कि जिसके डिपेंडेंट्स में तमाम एट्रीब्यूट uh, शामिल हैं उस टेबल के इसका मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए अगर हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं वेल दैट इज द रोल ऑफ द की जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि की की वैल्यू के बेस पे यू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्योंकि रिकॉर्ड कैसे बनता है रिकॉर्ड एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है तो जब आपका डिटर्मिनेंट तमाम एट्रीब्यूट को डिटर्मिन कर रहा है इसका मतलब है कि इट इज हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट रिकॉर्ड इट मीनस इट इज ए की तो जिस जिस एफडी के अंदर द डिटर्मिनेंट डिटर्मिन ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ दैट रिलेशन इट मीन द डिटर्मिनेंट इज ए की अब वो की की मुखलिफ टाइप हो सकती है सुपर की कैंडिडेट की या प्राइमरी की देखते हैं कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि वो किस टाइप की है ए मीनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की सो इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एन एफ डी डिटर्मिनटली ए सुपर की यानी यह बात तो पक्की है ना कि जब आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो है वो तमाम को डिटर्मिन कर रहा है तो एट लीस्ट इट इज ए सुपर की अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इट इज ए कैंडिडेट की और नॉट इसको हम आके देखेंगे इज ए सुपर की देन इट इज ए कैंडिडेट की यानी अगर सिंपल सी बात है कि इफ योर डिटर्मिनेंट इज ए सिंगल एट्रीब्यूट एक बात और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं दे आर ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इट मीन्स के डेफिनेटली इट इज सुपर की एंड कैंडिडेट की बट द थिंग इज कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपके पास फर्ज करें कि एक एट्रीब्यूट का एक सुपर की है अब अगर आप उस डिटर्मिनेंट के साथ और कोई एट्रीब्यूट अटैच कर दें और एक और एफ डी बना लें तो जाहिर है कि ये दोनों मिलकर भी तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन करेंगे तो ये भी सुपर की रहेगी यह हम सुपर की के रेफरेंस में ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अब उसी चीज को वी आर डिस्कसिंग इन द फ्रेम ऑफ द एफ तो इसका मतलब यह कि अगर आपके पास एक एफ में एक सुपर की है तो आप डिटर्मिनेंट साइड पे जितने भी एट्रीब्यूट ऐड कर लें उसी टेबल के अंदर से उसी रिलेशन के अंदर से तो इट विल स्टिल बी रिमेन द सुपर की नाउ व्हाट अबाउट द कैंडिडेट की वो ये कहते हैं कि जो आपका डिटर्मिनेंट है किसी भी एक एफ में और वो तमाम एट्रीब्यूट डिटर्मिनट कर रहा है पक्की बात की सुपर की है अब बाकी एफ देखें जबकि रिमेनिंग एफ हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेशन उनमें अगर कोई भी ऐसी एफ नहीं है कि जिसमें इस डिटर्मिनेंट का सबसेट जो है वो भी एक सुपर की हो एक प्रॉपर सबसेट यानी फर्ज करें अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में दो एट्रीब्यूट्स हैं एक एफडी में डिटर्मिनेट में दो एट्रीब्यूट्स हैं और उसके डिपेंडेंट में बाकी सारे एट्रीब्यूट शामिल हैं तो इससे सुपर की अब बाकी एफडीज को देखें अगर उसमें कोई भी ऐसी एफ नहीं है कि जिसमें इन दोनों में से कोई एक ये वाला या ये वाला वो जो है वो तमाम बाकी को डिटर्मिन कर रहा हो तो उस केस में ये जो है वो आपकी कैंडिडेट की भी कहलाएगी लेकिन माइंड इट फर्ज करें कि दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ए बी हैं और डिटर्मिन कर रहे हैं बिल्कुल सी और डी को और ई e को ए बी तो डिटर्मिट कर रहे हैं सी डी और ई e को और आपके जो टेबल है उसमें यही पांच एट्रीब्यूट थे ए बी सी डी और ई e. नाउ अगर हमारे पास एक और एफ डी हो सकती है जिसमें करें ए ए जो जो है 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 वो वो किसी किसी अकेला अकेला A जो है, वो किसी दो को कर रहा या किसी एक को डिटर्मिन कर रहा है उससे कैंडिडेट की जो है उसकी हैसियत डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि की तब बनेगी की तब बनेगी इफ डिटरमिनेंट ऑल द एट्रीब्यूट्स तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल एफ तो हो सकती हैं लेकिन की आपकी वही बनेगी कि जिसके पे तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंडेंट हैं ना तो हमारे पास कैंडिडेट की कौन सी होगी कि जिसके का कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन ना कर रहा हो तो फिर वो कहलाएगी कैंडिडेट की और ये बात मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इफ योर सुपर की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट एक ऐसी एफ है कि जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट है और वो बाकी तमाम को डिटर्मिन uh, कर रहा है तो पक्की बात है कि ये कैंडिडेट की भी है सो एफ डीज हेल्प टू आइडेंटिफाई कीज हाउ अब इस केस में हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय uh, का इस हमारे पास है एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एड्रेस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट आई डी और प्रोजेक्ट सैलरी प्रोजेक्ट आई डी से एम्प्लॉय जो है वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और प्रोजेक्ट सैलरी से मुराध है कि उस प्रोजेक्ट पे उसकी क्या सैलरी है और यहां पे एक जो एज्पशन है अंडरलाइन वो ये है कि एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है और जाहिर है कि ये जो है वी वुड हैव बीन मच क्लियर अबाउट इट हैड वी सीन इट द ऑफ दिस डिज़ाइन तो इसमें हमारे पास एक जो एफ है वो ये है कि एम्प्लॉय आई डी डिटर्मिंस एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एड्रेस अब यहाँ पे कि प्रोजेक्ट आई नहीं लिखा हुआ इसलिए कि बिकॉज एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दूसरी अफडी हमारे पास यह है कि इफ वी नो द्लॉय आई डी एंड द प्रोजेक्ट आई डी देन वी कैन डिटर्मिन द प्रोजेक्ट सैलरी इसका मतलब क्या है कि इस एम्प्लॉय की इस प्रोजेक्ट पे कितनी सैलरी है अब इसका मतलब यह है कि अगर आप इस चीज को देखें कि एम्प्लॉय आई जो अलोन है इट कैन नॉट बी योर सुपर की क्यों कि यह तमाम को डिटर्मिन नहीं कर रही लेकिन अगर आप दोनों को मिला के देखें एम्प्लॉय आई को और प्रोजेक्ट आई को तो यह तमाम को डिटर्मिन कर रहे हैं क्यों इसलिए कि एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय एड्रेस ये तीनों तो डिटर्मिन कर रही है एम्प्लॉय आई डी लोन बाकी रह गया आपका प्रोजेक्ट आई डी वो आ गया दूसरी एफ डी में डिटर्मिनेट के अंदर और जो प्रोजेक्ट सैलरी है उसको दोनों मिलकर जो है वो डिटर्मिन कर रहे हैं कौन एम्प्लॉय आई डी और प्रोजेक्ट आई डी इसका मतलब है कि जो आपका ये रिलेशन है एम्प्लॉय का इसमें जो आपकी सुपर की है वो है एंप्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आई डी ये तो तय हो गया कि ये सुपर की अब क्या ये कैंडिडेट की भी है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कोई एक प्रॉपर सबसेट सबसेटर है इसके दो प्रॉपर सबसेट पॉसिबल है एक तो है आपका एंप्लॉय आईडी अलोन और एक है प्रोजेक्ट आई डी अलोन अब इसमें अगर देखें तो एम्प्लॉय आई डी अलोन जो है इट कैन नॉट डिटर्मिन ऑल दी एट्रीब्यूट क्योंकि ना तो ये प्रोजेक्ट आई डी डिटर्मिन कर रहा है और ना ही ये प्रोजेक्ट सैलरी डिटर्मिन कर रहा है और इसी तरह अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट आई डी को देखें अलोन तो प्रोजेक्ट आई डी अलोन कैन नॉट डिटर्मिन लाइक एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉ नेम एम्प्लॉय एड्रेस इसका मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी हैं ये दोनों आपको चाहिए कि इस रिलेशन के तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन करने के लिए तमाम को एक दो को नहीं सब के सब को चुनाचे इस रिलेशन के अंदर योर कैंडिडेट की इज एम्प्लॉय आई और प्रोजेक्ट आईडी डी और चूंकि जहरा इन एफडी से देख के हमें अंदाजा होता है कि दिस इज द ओनली कैंडिडेट की तो जाहिर है कि आप इसी को सेलेक्ट करेंगे एज प्राइमरी की इस आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ यू कैन यूज एफ डीज टू आडेंटीफाई द कीज ऑफ अ टेबल यहां पे एक और एग्जाम्पल देखिए अब यहां पर देखेंगे हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का इसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम प्रोग्राम नेम एड्रेस एन आई सी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर और सीजीपीए दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल अब इससे रिलेटेड हमारे पास दो एफ हैं कौन कौन सी पहली है कि स्टूडेंट आई डी डिटर्मिंस स्टूडेंट नेम प्रोग्राम नेम एड्रेस एन और सी इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट आईडी है चूंकि तमाम को डिटर्मिन कर रहे हैं इट मीनस कि दिस इज ए सुपर की पहली बात और यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं इफ द सुपर की कंसिस्ट ऑफ द सिंगल एट्रीब्यूट देन फॉर श्योर इट इज ए कैंडिडेट की क्यों क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट पॉसिबल ही नहीं है जाहिर है कि वो तो एम्प्टी सेट होगा चुनाचे इसका मतलब है कि यू हैव गॉट ए कैंडिडेट की दैट इज द स्टूडेंट आई दूसरी एफ को देखें जो कि इसी टेबल से इसी रिलेशन से रिलेटेड है वो क्या है कि एन आई सी डिटर्मेंस स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आई डी प्रोग्राम नेम एड्रेस और सीजीपी अब इसमें क्या हो रहा है अगेन द डिटर्मिनेंट इट डिटर्मिन्स ऑल द दूड ऑफ द टेबल अब जब मैं ऑल कह रहा हूं तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो डिटर्मिनेंट खुद शामिल नहीं है ये हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं एफ की उनको जब पढ़ेंगे तो उसमें शामिल आपको ये अंदाजा होगा कि आप जानेंगे कि जो डिटर्मिनेंट है वो तो खुद डिटर्मिन कर रहा है तो वो खुद तो ऑटोमेटिकली शामिल होगा बीच में इसलिए इसके बारे में आप हम आगे डिस्कस करेंगे इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा अभी इसमें यह है कि आपने देखा कि एन जो है बिकॉज इट डिटर्मिन के दिस इज ए सुपर की एंड सिंस इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ए कैंडिडेट की एज वेल इसका मतलब यह हुआ कि इन दिस टेबल वी हैव गॉट टू कैंडिडेट कीज एंड जो इस केस में इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई हाउ वी कैन एस्टेब्लिश कीज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एफ डीज अबाउट ए टेबल आइए आगे चलते हैं इन्फ्रेंस रूल्स जो हैं ये इनको हम इंफ्रेंस uh, एग्जी या एम स्ट्रॉ एग्जाम भी कहते हैं और दीज आर द रूल्स दैट एस्टैब्लिश सर्टन एफ डीज फ्राम एफ डीज और दीज रूल्स आर साउंड इंफ्रेंस रूल्स जो हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं कुछ ऐसे एग्जीम्स uh, हैं इस तरह है के स्टेटमेंट्स हैं कि जो हमारे पास अगर गिवन एफ डीज हैं कुछ हमारे पास एफ डीज़ हैं एक टेबल के बारे में फर्स किया एक दो तीन कुछ एफ डीज हैं तो ये जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं ये ऑटोमेटिकली उनसे कुछ एफ जो है वो डिड्यूस करते हैं निकालते हैं यानी अगर हमारे पास कुछ एफ हैं तो हम इन्फ्रेंस रूल्स अप्लाई करने के बाद कुछ सर्टन एफ जो हैं वो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं असीूम कर सकते हैं और दूसरी बात है कि ये जो एजम्पन्स हैं दे आर प्रूव्ड दे आर साउंड यानी जिस तरह आपके पास एक खुद से दी हुई एफ है उसी तरह से वो एफ भी ऑथेंटिक हैं एक्सेप्टेड हैं वैलिड हैं ट्रू हैं जो कि आप इन्फ्रेंस रूल से निकालेंगे वो भी उतनी ही सही हैं, जितनी कि आपकी एक्चुअल एफ जो कि आपने खुद आइडेंटिफाई की हैं ये जो एफ जो आपकी इन्फ्रेंस रूल्स हैं, ये आपको एफ का नेचर समझने में और इनकी एप्लीकेशन इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसको समझने में आपको हेल्प करते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आइए देखिए कि ये रूल्स क्या है इनमें से पहला रूल इन्फ्रेंस रूल जो है वो है रिफ्लेक्सिविटी और इनको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि दिज आर वेरी ऑब्वियस यानी इसमें कोई मुश्किल uh, जैसी चीज ही नहीं है आपको फौरन समझ आ जाएंगे इफ बी इज ए सबसेट ऑफ देन ए डिटर्मिन बी पक्की बात है ये रूल है या ये आप अस्यूम कर सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं ए बी तो उनमें से ए बी जो है वह लाजमी तौर पर ए को डिटर्मिन करेगा या ए बी लाजमी तौर पर बी को डिटर्मिन करेगा और इससे एक और रूल ये भी निकलता है कि ए डिटर्मिन एनि इसका आप यह कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट जो है वो अपनी वैल्यू को डिटर्मिन कर रहा है या एक एट्रीब्यूट अपने आप को डिटर्मिन कर रहा है दिस इज रिफ्लेक्सीबिटी यानी इसका मतलब अगर हम कहें कि गुलाम हुसैन का नाम क्या है तो गुलाम हुसैन का नाम जो है वो ग़ुलाम हुसैन है यानी नाम आपको नाम की वैल्यू बता रहा है यानी हर एट्रीब्यूट अपने आप को डिटर्मिन कर रहा है और यही वो चीज़ है कि जब हम कहते हैं एक तरफ हम कहते हैं कि की वो है कि जिसमें कि जिस एफ डी में जो डिटर्मिनंट है वो तमाम एट्रीब्यूट्स डिटर्मिन करे तो जब हमने जितनी भी एफ डीज की एग्जाम्पल देखी हैं तो डिटर्मिनट जो है वो इस पर शामिल नहीं होता डिपेंडेंस में तो आप देखिए कि रिफ्लेक्सिविटी रूल के तहत वो जो एट्रीब्यूट है जो खुद है जो डिटर्मिनंट है ऑटोमेटिकली आपकी राइट साइड पर डिपेंडेंट साइड पर आ जाता है तो इस तरह से वो जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाती है कि की वो है कि जो एक टेबल के एक रिलेशन के तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटर्मिन करे डिटर्मिनट इज देयर ऑटोमेटिकली बाय द रूल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इफ यू गॉट स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस तो ये डिटर्मिन करेगा लाजमी तौर पे स्टूडेंट नेम को या इसी से चूंकि हमने सबसेट की बात की है तो चूके एक एट्रीब्यूट अपना एक इमप्रॉपर सबसेट भी है इससे यहां पर लिखा हुआ है कि इफ यू नो द स्टूडेंट नेम देन वी नो द स्टूडेंट नेम यानी कि जो स्टूडेंट नेम है वो स्टूडेंट नेम को डिटर्मेंट करेगा सिंपल ऑगमेंटेशन इफ यू हैव गॉट एन एफ डी के ए डिटर्मेंस बी तो ऑगमेंटेशन यह है कि अगर हम एक एट्रीब्यूट दोनों साइड पे एड कर दें तो वो भी एक वैलिड एफ डी होगी जो कि इसी डी से निकली है सामने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास है ए बी तो ये भी वैलिड होगा कि ए सी डिटर एग्जाम्पल देखेंट आई डी नेम तो अगर हम एक कैटीट्यूट लेड्रेस ले लें ले ले, उसको दोनों साइड पर एड कर देंटर्मिनेट साइड के ऊपर भी और डिपेंडेंट साइट के ऊपर भी देन दिस विल ऑल्सो बी ए वैलिड एफ डी थ्रू द ऑगमेंटेशन इन्फ्रेंस रूल आई होप आपको समझ आ गया होगा आगे चलते हैं ट्रांजिटिविटी ये भी बहुत सिंपल है कि इफ वी हैव गॉट टू एफ कैसे जिसमें हमने पता है कि ए डिटर्मेंट बी और दूसरी एफ क्या है कि बी डिटर्मेंट सी तो इन दोनों को से ये एक रूल निकलता है एक ये एफ डी निकलती है कि ए डिटर्मेंस सी दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन करता है प्रोग्राम नेम यानी अगर हमें ये पता हो कि स्टूडेंट का आईडी ये है तो हमें उससे प्रोग्राम नेम को पता चल जाएगा कि ये किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है और दूसरी तरफ ये है कि अगर हमें प्रोग्राम नेम का पता हो तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम के क्रेडिट्स कितने एम सी में इतने क्रेडिट्स हैं बी में इतने हैं बी में एम में वगैरह वगैरह अगर ये दो तो एफ हैं तो फिर इन एफ से यह बात भी निकलती है और यह भी एक वैलिड एफ होगी कि स्टूडेंट आई डी डिटर्मेंस क्रेडिट्स हाउ थ्रू द ट्रांजिटिविटी इन्फ्लुस रूल आइए आगे चलते हैं एडिटिविटी और यूनियन इसमें यह है कि इफ ए डिटर्मिंस बी एंड ए डिटर्मेंस सी देन ए डिटर्मेंस बी सी यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए मैथड ऑफ राइटिंग द एफ डीज डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपने इस लास्ट इन्फ्लेंस रूल में देखा कि हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो एफ डीज है ए डिटर्मिट बी एंड ए डिटर्मिंस सी उनको हम कंबाइन कर सकते हैं कि ए डिटर्मिट्स बी सी एक और इसमें चीज देखें कि इफ वी हैव गॉट एन एफ डी जिसमें मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं आपके डिटरमेंट साइड के ऊपर भी और डिपेंडेंट साइड के ऊपर भी तो ये देख लें कि इस एफ का मतलब ये होगा कि जो आपकी डिपेंडेंट जो डिटरमिनेंट साइड के ऊपर हैं एट्रीब्यूट्स, वो सारे मिल के मतलब यू, यू शुड थिंक कम ऑफ एज ए ज्वाइंट थिंग एक सिंगल थिंग के तौर पे, सब मिल के दे आर डिटर्मिनंग ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑन द राइट साइड यानी जो डिपेंडेंट हैं उनको तो आप अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास एफ डी है कि ए बी डिटर्मिन सी डी ई इसका मतलब होगा कि ए बी मिलके टूगेदर नॉट सेपरेटली इसको आप यू स्टडी नहीं करेंगे कि ए अलोन कैन डिटर्मिन बी सी डी और ई और बी अलोन कैन डिटर्मिन सी डी और ई नो इस एफ डी का यह मतलब है कि ए बी मिलके दोनों जो आपके डिटर्मिनेट है मिलकर सी डी और ई e को अलग अलग डिटर्मिन कर रहे हैं यानी आप डिपेंडेंट साइड पे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको तो अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं लेकिन जो डिटर्मिनेंट जो आपके साइड पे एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप इस एफडी के कॉन्टेक्सट में इस एफ के रेफरेंस में इकट्ठे कंसिडर करेंगे ये अलग बात है कि हो सकता है कि आपके पास एक और एफ ऐसी हो दैट सेज के ए अलोन कैन डिटर्मिन लेट्स से ऑल ऑफ देम डिटर्मिन बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर एफ डी इज कंसर्ड और एनी पर्टिकुलर एफडीज कंसर्न डिटर्मिनेंट साइड पर जो आपके पास अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट है तो इस एफडी का मतलब यह है कि वो मिलकर दोनों की गली मिलकर जो है वो डिटर्मिनेट कर रहे हैं आपकी ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट सेपरेटली ऑन द डिपेंडेंट साइड आइए बाकी देखते हैं प्रोजेक्टिविटी और डीकम्पोजिशन जैसे मैंने अभी आपसे बात कही है कि अगर हमारे पास ए डिटर्मिन बी सी है तो इसका मतलब यह है कि उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से कि ए डिटर्मिंस बी एंड ए डिटर्मिन सी और माइंड इट जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि यहां पे अगर आपके पास जो डिटर्मिनंट है उसमें अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट है यहां पर तो इतफाक से एक एट्रीब्यूट दिखाया हुआ है इफ यू गॉट मल्टीपल एट्रीब्यूट या हमारा जो डिटर्मिनंट है वो कंपोजिट फॉर्म ऑफ एक एट्रीब्यूट है उसमें आप उसको सेपरेट यू नहीं कर सकते जैसे कि इसको हमने सेपरेट कर लिया यानी इस डीकम्पोजिशन के तहत हमने उस एक एफ को अगर इस दो एफ में भी ब्रेक कर लें इट वुड बी हंड्रेड लीगल करेक्ट लेकिन अगेन अगर इफ यू हैव गॉट मल्टीपल एटीट्यूड ऑन दिटर्मिनेट साइड तो उसको इस तरह से हम नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली इंफ्रेंस रूल आपको ये नहीं कहता और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं ऐसा है ही नहीं तो जैसे यहां पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि एम्प्लॉय आईडी इफ यू गॉट एम्प्लॉय नेम एंड क्वालिफिकेशन तो अगर हम इसी एफ डी को दो में ब्रेक कर लें और ये कह दें कि एम्प्लॉय आई डी टर्मिनस ई नेम और एम्प्लॉय आई डी डिटर्मिन्स क्वालिफिकेशन तो दैट वुड बी लीगल दैट वुड बी करेक्ट सुडो ट्रांजिटिविटी इसमें यह है कि इफ हैव गॉट टू एफ इस तरीके से कि ए डिटर्मिन्स बी एंड सी बी डिटर्मेंस डी अब इसमें कि चूंकि हमारे पास पहली एफ डी ये कहती है कि ए डिटर्मिट बी और जो पहली एफ का डिपेंडेंट है बी वो एक और एट्रीब्यूट सी के साथ मिलके एक और एट्रीब्यूट डी को डिटरमिन कर रहा है तो जिस जगह पे आपका डिपेंडेंट आ गया है उस डिपेंडेंट की जगह वहां पे डिटरमिनेंट साइड पे उस डिपेंडेंट का जो डिटरमिनेंट है वो आ सकता है यानी जैसे आपके सामने है कि ए डिटरमिन्स बी है और सी बी डिटरमिन्स डी तो दूसरी जो आपकी एफ है इस एफ के अंदर हम बी की जगह पे ए को प्लेस कर सकते हैं इसका मतलब है कि हम इन दो एफडी से ये एफडी निकाल सकते हैं कि ए सी डिटर्मेंस टी जैसे आपके साथ एग्जांपल है आपके सामने कि इफ यू हैव स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी नेम। और साथ हमारे पास एक और एफडी है कि स्टूडेंट नेम और लेट्स से फादर नेम दे स्टूडेंट एड्रेस इन दोनों एफ से अगर हम ये एफ निकाल लें एज एन इंफ्रेंस के स्टूडेंट आई और फादर नेम

नॉमलाइजेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक दफ़ात ब्रीफली आपको दोबारा बता दूँ कि नॉमलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हम क्यों करते हैं टू प्रोड्यूस स्मार्टर मोर एफिशेंट मोर एक्यूरेट टेबल्स हमारे पास लॉजिकल डाटा पे डिजाइन आ चुका हुआ है हाउ वी ट्रांसफॉर्म आवर कंसेपचुअल डाटा पिस डिज़ाइन फॉलोइंग ए वेरी वेल डिफाइंड रूल्स एंड देन वी गॉट आवर लॉजिकल डाटा पिस डिज़ाइन और इस केस में वो रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर था अब नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसकी बारी आ गई है नॉर्मलाइजेशन क्या है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट लेवल्स हैं और हर लेवल की हर फॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमने जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन है उसके ऊपर हर टेबल के ऊपर इंडिविजुअली इन तमाम फॉर्म्स को ट्राई करना है बारी बारी और जब हम देखेंगे कि एक हमारा टेबल जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म को एक पर्टिकुलर फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है इसका मतलब है कि ये टेबल उस फॉर्म उस लेवल में है एंड इफ आवर ऑल द टेबल्स आर इन ए पर्टिकुलर फॉर्म इन ए पर्टिकुलर लेवल इट मीन आवर डेटा बिज डि इज इन दैट फॉर्म ऑन दैट लेवल तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो हम यही करेंगे कि हर टेबल को इंडिविजुअली हम उन नॉर्मल फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेक करेंगे अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नाम फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एवरी एट्रीब्यूट इन एवरी टपल कंटेन्स एन अटोमिक वैल्यू इसको बाद जगहों पर यू भी डिफाइन किया गया है कि देर इज नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट द रिपीटिंग ग्रुप इन दिलेशन डियर स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो जिस वक्त हम पढ़ रहे थे रिलेशनल डाटा मॉडल वहां पर हमने रिलेशन की या एक टेबल की सिक्स बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनमें से पहली प्रॉपर्टी ही यही थी कि ए सेल ऑफ ए टेबल शुड कंटेन एन अटोमिक और सिंगल वैल्यू तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है इट बेसिकली मैचिज इट ट्रांसफॉर्म्स इट मेक्स ए टेबल ए प्रॉपर टेबल क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेबल कैन नॉट कंटेन ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या एक सेल में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती तो जाहिर है कि जिस वक्त हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म ये है तो जब आप उसको तमाम सेल्स के अंदर या एक टे, टे, टेबल के एक रिलेशन के तमाम रिकॉर्ड्स के हर एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यू ले आएंगे तो एक्चुअली आप उसको उस टेबल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी पूरा कर रहे होंगे तो इस लिहाज से दिस थिंग इज सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग बट एनी वे दिस इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू मेक इट श्योर कि ये उसका पार्ट है और जाहिर है कि वो अगर ये ऐसा करते हैं तो वो उस टेबल की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर भी आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन लाइक सेलेक्ट और ज्वाइन इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे और एक बात आपको याद होगा कि वेन वी वर स्टडिंग द मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम दर डाटा बेस डिजाइन टू दाटाफेस डिजाइन तो वहां पर हमने देखा था कि जो रिपीटिंग एट्रीब्यूट uh, थे या जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट थे वी वी अप्लाइड ए सेपरेट ट्रीटमेंट ए स्पेशल ट्रीटमेंट टू दोज एट्रीब्यूट और आपको याद होगा कि वी क्रिएटेड ए सेपरेट टेबल फॉर देम तो यहां पर भी फर्ज करें कि uh, जैसे हमने कहा था ना कि अगर हमने उस वक्त स्किप कर गए हैं या हमने उस वक्त आइडेंटिफाई ना कर सके कि दिस इज़ ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और यहाँ पर आके आपको अंदाज़ा हुआ ये पता चला कि दिस इज़ बेसिकली ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज़ ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो इस जगह पे आपने उसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपने उसका ख्याल रखना है और उसका आपने कन्वर्ट करना है इंटू ए सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट अब यहाँ पर आप जो देखेंगे वो है कि हमारे पास ये एक फ़र्ज़ करें टेबल है इसमें आपका स्टूडेंट है और इसमें स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम और बुक आई डी बुक आई डी से मराज ये है कि इस स्टूडेंट ने कितनी बुक्स इशू करवाई हुई है एंड ऑबियसली इफ यू अलाउ मल्टी बुक्स टू बी बोर्ड बाई स्टूडेंट उस केस में योर बुक आई डी बिकम्स ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसमें जो आपके पास थर्ड रो है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट है एस वन जीरो वन फाइव ताहरा एजाज एड्रेस दैन प्रोग्राम नेम इज़ एम सी एस और यहाँ पर हमारे पास दो बुक्स जो हैं वो दी हुई है। हैं इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट ने दो बुक्स इशू कराई हुई हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपने जो भी अभी पढ़े हैं पिछले ही लेक्चर्स uh, में रिलेशनल एल्डाब्रा के ऑपरेटर्स और उनमें दो uh, आपको याद होगा खास तौर पे एक था सिलेक्ट इफ यू वांट टू अप्लाई सेलेक्ट ऑपरेटर ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट बुक आईडी तो व्हाट शुड यू गिव द वैल्यू अगेंस्ट थर्ड रो इधर इट इज B08945 या B06352 या दोनों मिलके तो यहां से बेसिकली आप देखें कि वो उसमें कंफ्यूजन है इट मेक्स इट डिफिकल्ट देखें ना जबकि बाकी तीन रोज हैं दिस इज प्रॉब्लम क्योंकि अगर आप कहते हैं फर्स्ट करने अगर आप कहते हैं कि सेलेक्ट और आप कहते हैं कि बुक आइट इज इक्वल टू बी जीरो जीरो वन टू नाइन और आप सेलेक्ट करते हैं उसको उसमें से स्टूडेंट में से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ठीक है एक वैल्यू वहां लिखी हुई है उससे मैच हो जाएगा वट अबाउट दीज थिंग्स यहां पर दो वैल्यूज हैं कहीं तीन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं तो यू कैन नॉट ईजीली फाइंड रादर यू कैन नॉट फाइंड द प्रॉपर वैल्यू टू बी सिलेक्टेड यानी इस पर किसको करे तीन मुख्य पॉसिबिलिटी है पहली है दूसरी है दोनों ही है अब दोनों ही तो एक वैल्यू नहीं है बेसिकली तो दो अलग अलग वैल्यूज है ना और यहां पर तो दो हैं अगर तीन होती तो इसी तरीके से वेन यू थिंक ऑफ द ज्वाइंट ऑपरेटर अब ज्वाइन नहीं करना था कि अगर फर्ज करें हमारे पास जो बुक आई डी है इफ इट इज ए फॉरन की हियर और जहां पे इसका बुक आई डी में जो प्राइमरी की है अब जो बाकी तीन रोज हैं पहली दूसरी और चौथी अबाउट दैन वी आर श्योर कि वी हैव गॉट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फॉरन की एंड वील फाइंड ए स्पेसिफिक वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट इन द बुक टेबल लेकिन वट अबाउट दिस क्या इस रो को बी जीरो एट नाइन फोर फाइव से मिलना चाहिए या इसको बी जीरो सिक्स थ्री फाइव टू से मिलना चाहिए या दोनों से मिलना चाहिए दोनों से मिलेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहां पे दो वैल्यूज हैं क्या कॉमा उनको सेपरेट कर रहा है बट नो कॉमा कैन बी ए पार्ट ऑफ द वैल्यू तो इस तरह से आप देखें कि अगर यहां पर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो जो हमारे ऑपरेशन हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल के और इसे जहरा कि जब हम उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे एसक्यूएल के अंदर तो उनको परफॉर्म करना इट इज डिफिकल्ट और इतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं है इसलिए इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज इन एनी सेल इन इन एन एट्रीब्यूट तो वो आपका जो है वो प्रॉपर टेबल भी नहीं है और ना उस पर आप प्रॉपरली ऑपरेशन कर सकते हैं चुनाचे यू विल ट्रांसफॉर्म दिस टेबल इन टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से एवरी सेल कंटेन्स द सिंगल और अटोमिक वैल्यू और इसका रूल यही होता है कि एनी रो ट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यू रिपीट में अगर आप देखें, S1015 को, अगर आप स्क्रीन पे देखें जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, S1015 जो है we have put it twice there. क्यों एक दफा वो आएगी बी जीरो फोर फाइव के लिए और एक दफा आएगी बी जीरो सिक्स थ्री फाइव टू के लिए अब जाहिर है कि इससे आपको फायदा क्या हो इससे फायदा आपको यह हुआ कि आपकी तमाम जो आपके एट्रीब्यूट हैं तमाम सेल्स हैं ऑल ऑफ देम दे कंटेन अटोमिक वैल्यूज ठीक है लेकिन माइंड द की क्योंकि इस केस में अब आप देखिए एस वन जीरो वन फाइव जो है वो दो दफा आ चुका हुआ है और जाहिर है कि आपकी जो की है क्योंकि इससे पहले हमने स्टूडेंट आई डी को की डिक्लेयर किया हुआ था या एक एजम्पन है कि वो की है इस केस में आप जो आपका स्टूडेंट आई डी है इट इज नॉट द की और जनरली जब इस तरह की सिचुएशन होगी आप आ, प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे तो उस केस में आपकी जो यही प्राइमरी की है इस टेबल की और जो आपकी रिपीटिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो दोनों मिलकर प्राइमरी की बनते हैं और आपको याद होगा द सेम बिहेवियर वी अप्लाइड टू द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वेन वी आर स्टडिंग द मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम ईयर डायग्राम टू द रिलेशनल डाटा मॉडल तो आई होप कि आपको फर्स्ट थाउंड फॉर्म क्लियर होगी होगी और माइंड इट कि इसमें जो आपके पास डेफिनेशन हैं नॉर्मल फॉर्म्स की वो आपको बिल्कुल सही सही आनी चाहिए उनकी इंपॉर्टेंस है इस इंपॉर्टेंस को मैं जब सेकेंड नंबर फॉर्म में आऊंगा तो वहां पर क्लियर करूंगा सेकेंड नंबर फॉर्म सेकेंड नंबर फॉर्म जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज है एन एट्रीब्यूट बी इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ द बी कैन बी डिटर्म बाई होल ऑफ ए नी प्रट ऑफ एल दो यहां पर जो एक डेफिनेशन के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट के नाम लिए हैं बी का लिया है ए का लिया है दे सीम टू बी सिंगल एट्रीब्यूट तो सिंगल एट्रीब्यूट के के केस में हमने सबसेट की बात करने की सेंस क्या बनती है लेकिन नहीं यहां पर जो खासतौर पर ए कहा गया है ए और वैसे तो बी भी दोनों ही सेट ऑट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जैसे मैं आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास जो एक एफ है उसमें डिटर्मिनेंट साइड के ऊपर भी मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंस से क्या मुराद है उसमें मुराद यह है कि अगर हमारे पास एक एफ है और उसमें एक इधर डिटर्मिनेंट है इधर डिपेंडेंट है तो आपके जितने डिपेंडेंट हैं वो पूरी वो तमाम के तमाम जो डिटर्मिनेंट है उस पर मिलकर उस पर डिपेंडेंट हों अगर वो उसके किसी सबसेट के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं तो आप कहेंगे कि वो उस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि दे आर पार्शली डिपेंडेंट मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर उसमें ए बी सी डी और ई e हमारे पास ये पांच एट्रिब्यूट्स हैं हमारे पास एक एफडी है कि ए बी डिटर्मेंस सी डी एंड ई लेकिन एक और एफ दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि बी डिटर्मेंस ई अब अगर इन दो एफ को देखें तो सी डी और ई e जो हैं ये तीनों पहले पहली आपकी जो एफ डी है उसमें तीनों ये डिपेंडेंट है और ए बी डिटर्मिनेंट है लेकिन जो सी और डी हैं दे आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट क्यों कि कोई और एफ डी ऐसी नहीं है कि जो ये बता रही हो कि जो सी और डी हैं वो ए बी के किसी सबसेट पे डिपेंडेंट है लेकिन जो ई e है उसके बारे में हमारे पास एक एफ डी है जो ये कह रही है जो दूसरी हमारी एफ डी है वो ये कह रही है कि ई इज डिपेंडेंट ऑन बी इसका मतलब यह है कि आप अगर इन दोनों एफ डीज को देखें तो आप ये कहेंगे कि सी एंड डी आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए बी बट ई इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन ए बी क्यों क्योंकि हमारे पास एक और एफ डी ऐसी है और जाहिर है अगर आप दूसरी एफ को देखें तो दूसरी एफ में क्या है कि बी डिटर्मिन ई अब क्योंकि इस केस में आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगल एट्रीब्यूट है तो जाहिर है कि इस, उस केस में ये बात पक्की है कि उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे अपने डिटर्मिनेंट के ऊपर तो ये था आइडिया फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का और इसी पे बेस करती है आपकी सेकेंड नंबर फॉर्म आइए देखते हैं वो क्या है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जैसे भी ना डिस्कस किया था क्लास हमारे पास है उसमें कोर्स आईडी है स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट नेम है और इसके अलावा हमारे पास फैकल्टी आईडी है रूम है और ग्रेड है इसमें अगर आप देखें तो कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी ये दोनों मिलकर डिटर्मिन कर रहे हैं स्टूडेंट नेम को फैकल्टी आई को रूम को और ग्रेड को लेकिन साथ ही हमारे पास दो और एफ हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट आई डी डिटर्मिंस स्टूडेंट नेम और कोर्स आई डी डिटर्मिंस फैकल्टी आई डी और रूम इसका मतलब है कि अगर आप इन तमाम एफ डीज को देखें तो पहली एफ डी में आप ये कहेंगे कि स्टूडेंट नेम फैकल्टी आई डी एंड रूम दे आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन कोर्स आई डी और स्टूडेंट आई डी क्योंकि बाकी दो एफ डीज बता रही हैं कि ये एट्रीब्यूट जो हैं वो इस डिटर्मिनट के सबसेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है बाकी दो एफ जो बता रही हैं आपको हाउ एवर ग्रेट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स आई डी एंड स्टूडेंट आई डी इसका मतलब है कि आपने ये जब आप एक एफ डी देखें या तमाम एफ डी देखें तो हर एफ डी के अंदर आप उसको देख के बता सकेंगे कि इसमें कौन से जो डिपेंडेंट हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं और कौन से डिपेंडेंट्स हैं वो पार्शली डिपेंडेंट हैं डिटर्बिनेट के ऊपर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डाटा बेस्ट डिजाइन प्रोसेस का है वो है नॉर्मलाइजेशन उस पे डिस्कशन स्टार्ट की है आज की डिस्कशन जो हमने स्टार्ट की है वो एफ के ऊपर की है कि व्हाट आर फंक्शनल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी इससे समझना ज़रूरी है कि वो बेस प्रोवाइड करती है आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए यानी याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हमेशा आपको अपना लॉजिकल डाटाबेस्ट डिज़ाइन चाहिए और साथ ही आपको एफ डीज चाहिए यानी अगर कोई आपसे शख्स ये कि आप कहे कि ये मेरा लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन है इसको नॉर्मलाइज कर दो यू कैन नॉट डू दैट आप उसे कहेंगे कि वट आर द एफ डीज बिकॉज आई कैन नॉट नॉर्मलाइज द डाटा बेस विदाउट नोइंग एफ डीज क्योंकि वो आपको गाइड करती हैं वो बेस प्रोवाइड करती हैं कि जिसके बिना पे आप अपने डिजाइन को नॉर्मलाइज करते हैं तो हमने FDs की डेफिनेशन पढ़ी है इसके अलावा हमने उसके बाद इन्फ्रेंस रूल्स पढ़े हैं साउंड वेल डिफाइंड प्रूवन हमारे पास रूल्स हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इनका यूटिलिटी क्या है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ एफ डीज हैं वो एफ डीज कहां से आती हैं वो एनवायरमेंट से आती है वो सिस्टम से आती हैं है। कुछ एफ डीज आपके पास हैं इंफ्रेंस रूल जो हैं उनकी बेस पे आप कुछ और एफ डीज जो हैं वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी गिवन एफ डीज से और मैंने आपसे कहा था कि जो आप एफ डीज इन्फ्रेंस रूल से स्टैब्लिश करते हैं डिफाइन करते हैं वो भी उतनी ही सही होती हैं उतनी ही वैलिड होती हैं जितनी कि आपकी वो एफ डीज जो आपने खुद डिफाइन की हैं आइडेंटिफाई की है अपने सिस्टम से एफ डीज की इन्फ्रेंस रूल्स के बाद हमने जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके एक्चुअल जो डेफिनेशन एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्म्स हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट की थी उसमें हमने फर्स्ट टर्म फॉर्म को डिस्कस किया और मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है बेसिकली वो एक चीज़ की रेपिटेशन है उस सेंस में कि हमने जैसे कहा था कि द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन तो उसको वो रिपीट करती है आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उसके बाद हम आ रहे हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की जो बेस है वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी लास्ट मोमेंट पे हमने उसको डिस्कस किया था अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये इस्तेमाल कैसे होती है इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से अब आपसे ज्यादा चाहूँगा love is